क्यों नहीं हो रहा, गाड़ी समझ में नहीं आ रहा गाइस, गाड़ी खराब हो चुका है। क्या आप देख रहे हो चेग्रो वाईटी ब्लॉग। तो अभी 10:30 बजे मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। फिलहाल हम लोग आए थे इधर नदी तरफ घूमने के लिए, क्योंकि नहाने के लिए भी आए थे। मैं नहा लिया था, एक मेरा दोस्त है वो नहा रहा है मिथिलेश, और चलते अभी वहाँ पे ना थोड़ा बहुत पानी है वहाँ पे, अपने बाइक को ये धोना है, क्योंकि भाई 2-4 दिनों में ना कहीं निकलना है बाइक से। अब कहाँ निकलना है वो तो ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा। तो चलो चलते हैं, जल्दी से धोते हैं क्योंकि घर भी निकलना पड़ेगा। और आप लोगों को पता ही है कि आज के टाइम पे गर्मी के मौसम के टाइम पे कितना ज़्यादा धूप है, और इतना ज़्यादा धूप है ना समझ ही सकते हो। ठीक है, पूरा का पूरा सीट हीट हो गया है, गाड़ी भी हीट हो गई। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई लोग सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ऑलमोस्ट 15 सब्सक्राइबर घट रहे 2K कंप्लीट होने पे। ठीक, तो देखो गाइस कितना सा कम पानी है, गर्मियों में पूरा का पूरा सूख जाता है, और वहां से थोड़ा बहुत बाहर आए तो गंदगी निकल जाएगा। मेरे को ये बैक से ले जाना पड़ेगा गाड़ी को, आगे अगर हम आगे तरफ से लेके जाएंगे ना उधर उठेगा, फिर वहां पे घुमाने में दिक्कत आएगा, क्योंकि थोड़ा बाला टाइप का है तो घुस जाएगा, निकलेगा ना जल्दी से। इसी कारण से बैक कर लिए, बैक साइड से अपने को उधर पानी में डालना पड़ेगा। तो फटाफट हम डालते हैं, तब तक आप लोग शेयर सब्सक्राइब लाइक कर दो। तो गाड़ी को पूरा लेके आ चुका हूँ, और बहुत ही दिनों से धोया नहीं था, फर्स्ट टाइम धोया था जब मैंने अपना ब्लॉग डाला था गाड़ी वाला, उसी टाइम धोया था। तो फटाक से धोते हैं, उसके बाद निकलते हैं। और वहाँ पे ना हम लोग के यहाँ दूसरे गांव से मैच आए हैं, मैच खेलने के लिए, दूसरे गांव से मैच खेलने के लिए आए, तो उसी कारण से मैं इधर आया था मैच देखने के लिए, क्रिकेट मैच हो रहा था। और जब इधर ही आया गया तो धो देता हूँ, क्योंकि फिर मेरे को स्पेशल आना पड़ता, अगर मैं नहीं धोता तो फिर मेरे को स्पेशल आना पड़ता। तो गाइस पूरा का पूरा गाड़ी अभी धो लिया हूँ, क्योंकि कुछ लाया था धोने के लिए, इसे ही पानी से ऐसे ऐसे करके धो दिया। देखो पूरा एकदम अच्छे से चमचमाती न्यू जैसी लग रहा है। और मेरे को रेडियम सेंटर में जाके ये सब फिर से नाम लिखवाना पड़ेगा। ये सब बच्चे लोग जो होते हैं ना, कुछ घर के कुछ बाहर के लोग, जब गाड़ी बाहर में खड़ा करते हो तो ऐसे स्क्रैच कर देते हैं, और ये सब उखाड़ने लगते थे। पूरा थोड़ा बहुत उखड़ चुका है, देख सकते हो ये सब। समझ में नहीं आ रहा, अचानक से एकदम वो थोड़ा सा वो चढ़ाया, मैं उसको चढ़ाया उधर से आ रहा था, एकदम गाड़ी अचानक से डू 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 करके बंद हो गई। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करे, अब देखते हैं। स्टार्ट करके लगता है पानी घुस गया, मेरे को लगता है ना साइलेंसर में पानी घुस गया एकदम। एक गर्मी है, एक तो एकदम अगर गाड़ी नहीं चालू होना तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगा घर ले जाने में। अभी देखते हैं स्टार्ट की क्विक मार के, देखते हैं क्या होता है। गाड़ी चालू नहीं हो रहा है, तो धूप से हटके पहले छांव में चलते, जुड़ा में जहां भी होगा जुड़ा वहीं पे स्टार्ट करेंगे हम लोग अभी तुरंत। क्यों नहीं हो रहा, गाड़ी समझ में नहीं आ रहा गाइस, गाड़ी खराब हो चुका है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। सेल्फ भी काम नहीं कर रहा है, कम से कम स्टार्ट होने के बाद ना सेल्फ एक दो बार चलता था, लेकिन अभी वो भी नहीं काम कर रहा है। यही होता है गाइस, इसीलिए इसी कारण से यार समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। फ्यूल भी ऑन है यार, फ्यूल एक बार ऑन ऑफ करके देखते हैं क्या होता है यार। ओह माय गॉड, कसम से गाइस पूरा गरमाते थक गए तो इतना कसम से पास, मेरे को इस बात का टेंशन होता है कि गांव में कैसे धकेल के ले लूंगा गाड़ी यार। और ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा है वो कुछ नहीं करना चाहता है, बोलता है कि तू चालू कर, तू ही धकेल के लेके चलो, खाली बैठ के आया था। चलो चलते घर, और भाई गाड़ी धोओगे ना तो साइलेंसर में पानी मत घुसा देना, मेरा लगता है गलती से मैं ऐसे ऐसे करके मार रहा था साइलेंसर में घुस गया होगा, इसी कारण से पानी थोड़ा अंदर चला गया, इसी कारण से लगता है गाड़ी चालू नहीं हो रहा था, एकदम से बंद हो गया। तो फिलहाल अभी देखो गाड़ी चालू हो चुका है, मतलब जान में जान आ चुका है गाइस। तो चलते हैं घर, बहुत ही ज़्यादा धूप है, वहाँ पे थोड़ा सा क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो देखो दिखाऊंगा कि हमारे गांव के लड़के कितने मेहनती है क्रिकेट खेलने के लिए। कसम से कितना भी बड़ा धूप आ जाए खेलते रहेंगे, क्योंकि मैं भी पहले खेलता था लेकिन अभी संन्यास ले लिया हूँ धोनी की तरह। फिलहाल अभी मैं घर पे आ चुका हूँ, और इतना ज्यादा गर्मी लग रहा है ना,
थोड़ा सा मतलब यार कम से कम 15 कदम गाड़ी को ठेला, क्योंकि धूप में रुक गया था और इतना ज़्यादा गर्मी, इतना ज़्यादा पसीना आने लगा कि पूछो मत, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप लोग, अगर आप लोगों को भी ट्राई करना है तो गाड़ी ख़राब हो जाएगा या फिर बंद करके थोड़ा सा धक्का दे के देखना कितना ज़्यादा परेशानी होता है। और उस मिथिलेश को मैंने बोला कि भाई थोड़ा सा पीछे से ठेल देना, पीछे से ठेल देना, वो भी नहीं ठेल रहा था, एकदम खाली मेरा रिकॉर्डिंग कर रहा था और ब्लॉग बना रहा था, वो भी मेरे को समझ नहीं आता कि वो कर क्या रहा था यार, ब्लॉगिंग कर रहा था या मेरा हेल्प कर रहा था, दोनों तरफ से देखा जाना तो समझ में नहीं आया। उसको कुछ बोला नहीं, बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है, गर्मी आ रहा है गाइस। तो चलो यार पानी वानी पीने चलता हूँ। आप लोगों को एक छोटा सा वनली वन छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना भाई। अगर आप लोगों का भी गाड़ी अगर बंद हो जाता है पानी वानी के कारण तो भैया मारते रहना, मारते रहना, जब तक गर्म ना हो जाए गाड़ी मारते रहना, ठीक है, टपा टप देते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।